नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। जनपद आजमगढ़ में संगीत घराने से जुड़ा गांव हरिहरपुर इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद निरहुआ के प्रयास से संगीत घराने में जहां मशहूर तबला वादक गुदईलाल मदनलाल मिश्र, पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र के पुश्तैनी गांव में अब संगीत महाविद्यालय बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह व उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7 अप्रैल को होना प्रस्तावित किया गया है। कार्यक्रम की सूचना मिलते ही जिले में युद्ध स्तर पर शिलान्यास और जनसभा के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि संगीत विद्यालय पूरे पूर्वांचल का एक दिल बन रहा है। संगीत महाविद्यालय सिर्फ वाराणसी, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर है और दूसरा पूरे प्रदेश में आजमगढ़ में खोलने का फैसला लिया गया है, जिसका शिलान्यास 7 अप्रैल को किया जाएगा और युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से SDM सदर ने बताया कि खेल का मैदान और विद्यालय परिसर के लिए कुल 3 एकड़ से ज्यादा जमीन अक्वायर की गई है, जिसमें संगीत महाविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। और इसके देखिए, संगीत महाविद्यालय के उद्घाटन के लिए शासन के निर्देश पर 4000 स्क्वायर मीटर भूमि उनके लिए अधिग्रहित के पुनर्ग्रहण किया गया। उसके साथ साथ 369 एयर यानी 3690 वर्ग मीटर उसके फील्ड के लिए भी सेलेक्ट किया गया है और कुल मिलाकर के लगभग 3 एकड़ भूमि वो महाविद्यालय के प्रयोग में रहेगी। और जो कार्यक्रम है सर, उसकी रूपरेखा जरा बता दीजिए। नहीं, कार्यक्रम की रूपरेखा अभी आएगा, अधिकृत रूप से तो ही बताया जा सकता है। अभी हमारे अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।